हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क क्लासेस। फिर से स्वागत है आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक वीडियो सीरीज के अंदर, जिसमें हम और भी बहुत सारे चैप्टर्स की शॉर्ट ट्रिक वीडियोस डाल चुके हैं। अगर आप वो सब वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें पिन कमेंट में लिंक देख सकते हैं। उस लिंक के अंदर आप सीधा क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी वीडियोज आ जाएंगी। इससे पहले हम जो मैक्सिमम मिनिमम का आपको वीडियो शॉर्ट ट्रिक वीडियो दिया है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक और अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल हमारे सामने हो, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, उसका कुछ सेकंड्स के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे पता करते हैं, उसका हमने एक मजेदार ट्रिक आपके साथ डिस्कस करा। और आज तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं, खास तौर पर जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब यानी आज जब आप ये तीन शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे सामने और इसमें हमसे कहा गया कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो चलिए, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है ना, 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स माइनस 9 की, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो है -4, और जो मिनिमम वैल्यू होने वाली है ये -14। आप भी जानना चाहते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और फटाफट मेरे साथ इस शॉर्ट ट्रिक को नोट कीजिए। तो कभी भी आपके पास अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में अगर आपको फंक्शन नजर आए, इसमें सी कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट है तो ठीक है, नहीं तो आप जीरो भी ले सकते। तो अगर ऐसे केस में आपको पता करना हो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो चलिए फटाफट से आप लोगों को बताते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी। बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, इससे निकल कर आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। रूट सिर्फ इतने पर है, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। यही हमने ट्रिक फटाफट से इसमें इस्तेमाल करी और कुछ सेकंड्स के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताई। चलिए देखें, वेरीफाई करें। बिल्कुल, ए की वैल्यू कितनी है 3, देखिए, और बी की वैल्यू कितनी है 4, और सी की वैल्यू कितनी है -9। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी, राइट, इट्स 25। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 9 माइनस करेंगे -4, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम इसके आगे माइनस लगा दें दैट इज -14, दैट इज मिनिमम वैल्यू। आई होप इट्स वेरी यूजफुल। चलिए फटाफट से देखते हैं सेकेंड ट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन है और इस फंक्शन में लिखा है साइन की पावर 4 एक्स कॉस की पावर 4x, और इसका निकालना है आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आपने ये ट्रिक इसमें ध्यान रखना है कि इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगी। तो हम क्या करेंगे, जो पूरे की पावर है उस पर 4 लगा दी हमने। अगर 5 होगी दोनों की पावर तो 5, लेकिन अगर डिफरेंट पावर होगी तो दैट इज डिफरेंट थिंग, सेम पावर होगी तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बड़ी ही आसान है भाई, 1/2 की पावर 4, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0। आप लोग भी जानना चाहते हैं ट्रिक, तो फटाफट से कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर एन की फॉर्म में नजर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप फटाफट से कैसे निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 की पावर n, वही हमने ऊपर किया है। अगर आप देखेंगे तो 1/2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर 4, तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट अबाउट मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए थोड़ा क्लासिफिकेशन है, अगर n ऑड होगा तो क्या होगा और अगर n इवन होगा तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इवन पावर थी, यानी जब भी n की पावर इवन होगी तो मिनिमम वैल्यू होगी 0, लेकिन अगर ऑड होगी तो -1/2 की पावर n, यानी आपने इस पावर को देखना है। अगर ये पावर 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर है तो आपका -1/2 की पावर वो n हो जाएगा, और अगर n जैसे 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, तब आपकी मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप लोग, 0। चलिए बच्चों फटाफट से एक बहुत ही छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए कितना मुश्किल सा क्वेश्चन है हमारे सामने, 4 sin² x - 5 cos² x, इसका हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, यानी फिर से हमें वही फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसे 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, और फिर जो x की वैल्यूज आएंगी उसे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, और फिर पता करने के बाद हमें फंक्शन में रखना पड़ेगा। चलिए, तो बहुत ही लेंथी होने वाला है, लेकिन मैं आपको सेकंड्स के अंदर बताने वाली हूँ मैक्सिमम वैल्यू है 4 और मिनिमम वैल्यू है इसकी -5। तो क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, चलिए नोट करते हैं। कभी भी आपके पास अगर फंक्शन आ जाए इस फॉर्म में ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है, बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों। आपने सिर्फ ए और बी का कंपैरिजन करना है, ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से तो मजे की बात यह है कि मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाती है और मिनिमम वैल्यू बी हो जाती है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर उल्टा,
मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू ए, है ना। बहुत आसान सी ट्रिक। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है -2, तो ए बड़ा है बी से, इसीलिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 4 और मिनिमम वैल्यू हो गई -5। तो आई होप आपको ये वीडियोज यूजफुल लग रहे हो। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस भी ढूंढ रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कमेंट में जाइए, कमेंट में पिन कमेंट में हमने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करिए, सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी जिसमें इसी तरीके की और भी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर इसे शेयर जरूर करिए। जो लोग हमें लगातार सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग वर्क।